हन हन दुष्टन को प्राणनाथ, हाथ गहो प्रकट मही, तल मिटावो सब शोक को, हमें जो सतावे जन काम मनो वाक्य ते, वार वार तिनको पठावो यम लोक को, भवन मसान करो, संतत श्रीगाल रोवे, रुधिल कपार भरो, उग्र शूल चोक को, भैरव महाराज मम काम आज एही करो, शरण तिहारे वेग माफ करो चूक को। आदेश आदेश, श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। अब अघोरियों से लोग जब लड़ते हैं तो अघोर का नियम है माफी नहीं सजा। लेकिन माफी कब नहीं दी जाती? माफी तब नहीं दी जाती है जब बहुत ही कोई बड़ा किसी ने दुष्ट वाला काम किया हो, जिसको लगे कि अब इसको सजा मिलनी ही चाहिए। बहुत आप लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे साथ इसने ऐसा कर दिया, मेरा कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसे बहुत सारी बातें आप लोग मुझे बताते हैं कि इस पर ये करो वो करो। देखो, पैसा एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए कभी किसी पे क्रिया नहीं करनी चाहिए, मतलब उल्टी क्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसी क्रियाएं हैं जिससे कि अगर आपका कोई पैसा लेकर के बैठा है और पैसा लौटा नहीं रहा है तो वो आपको पैसा ज़रूर वापस कर देगा। तो अगर आपको किसी को सज़ा देनी है तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि सज़ा किस तरह के कामों में दी जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो सज़ा तब आता है जब राष्ट्र का कोई अहित कर रहा हो। ठीक है, अगर राष्ट्र का कोई अहित कर रहा है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा, धर्म का कोई अहित कर रहा है तो उसको सज़ा मिलती है। माता पिता का कोई अहित कर रहा है तो उसको सज़ा मिलती है। मूलभूत रूप से कोई भी अगर किसी और के विशेषाधिकार में प्रवेश करता है तो उसको सज़ा मिलती है। और सज़ा का एक लेवल होता है, हर डिग्री का अलग अलग सज़ा होता है। तो सबसे पहले अगर कोई मुझे बोले या कोई भी तांत्रिक अघोरी के पास लोग जाते हैं तो बोलते हैं इस पे मारण कर दो, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ अघोरियों या तांत्रिकों में सिर्फ नाथ अघोरी ऐसा जिनको सात मारण कर की छूट होती है, मतलब उनको कोई पाप नहीं लगता उसका। ठीक है, इलीगल है लेकिन कोर्ट में प्रूफ नहीं हो सकता, ये भी बात है। लेकिन मारण आपके लिए कोई नहीं करेगा, क्योंकि एक तो ये साधना बहुत गुप्त है। गुरु ऐसे ही साधकों को मारण देते हैं जिन पे उनको विश्वास होता है कि ये इसका प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, मारण का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रहित में हो सकता है। अगर राजा पे कोई संकट हो या राष्ट्र पे कोई संकट हो तभी कोई तांत्रिक या अघोरी एक तो मारण का प्रयोग करता है, दूसरा मृत संजीवनी का प्रयोग राजाओं के लिए किया जाता है, अगर मृत संजीवनी के बारे में आप जानते हो तो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी ने आपका बहुत 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 अहित किया हो, मतलब आप उसके चलते बर्बाद हो चुके हों, ऐसे लोगों के लिए मैं आपको तीन मंत्र आज बताऊंगा। तीन मंत्र, बगलामुखी का एक मंत्र है, एक हनुमान का मंत्र है, ठीक है, और भैरव जी का तो मंत्र है ही। तो ये तीन मंत्र जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको अपने शत्रु का नाश देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूँ, किसी का अनिष्ट करके किसी को लाभ नहीं होता है। ठीक है, कोई भी अनिष्ट आप किसी का भी कर लो तो लाभ नहीं होगा। आपने उसको उसके साथ गलत किया, आप उसके साथ गलत करोगे, ये चक्र चलता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियां होती है जहां पर जब तक आप सामने वालों को, जैसे कि कोर्ट किसी को सज़ा देता है तो वो सज़ा क्यों देता है? ताकि वो व्यक्ति सुधर जाए और आगे फिर किसी का अहित ना करे। तो कुछ लोग दुष्ट ही होते हैं, उनकी प्रवृत्ति दुष्ट वाली होती है, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को कभी कभी सज़ा भी देनी पड़ती है। तो आप आओगे किसी के पास कि आप मेरे लिए इसको सज़ा दे दो, तो नहीं, वो कर्म का एक चक्र होता है। आप मुझे बोलो किसी का अहित करना, मैं नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि कर्म का एक चक्का होता है, मैं किसी का अहित करूँगा तो मेरा भी अहित होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हुए कभी भी तांत्रिक इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को मंत्र बताया वो भी शत्रुनाश का मंत्र है और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। आपको मैं आज का पहला मंत्र बता रहा हूँ,
ये मंत्र माँ बगलामुखी का है, अघोर में इसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे चलाया जाता है ये आप मुझे फोन करेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो पता चला अभी सुन करके बिना सोचे बिना समझे आप लोग इसका प्रयोग करने लगेंगे। मैं आपको भी मंत्र बता रहा हूँ, आप जब मुझसे बात करेंगे तो मुझे ये कंफर्म होगा कि आप अगर किसी को क्षति पहुंचाना चाह रहे हो तो क्या वो क्षति पहुंचाना चाह रहे हो या फिर आप उसको इसलिए सजा दे रहे हो ताकि वो सही जगह या सही मार्ग को पकड़े। दूसरा बात, अगर आप किसी पे भी छठ कर्म का प्रयोग करते हो, देखो मारण तो मैं बताता नहीं हूँ, मारण मैं बताऊंगा भी नहीं कभी किसी को, लेकिन अगर आप किसी पे भी छठ कर्म का प्रयोग करते हो तो एक चीज समझ लेना, उसके जिम्मेदार खुद तुम रहोगे इस जीवन में, अगले जीवन में, अनंत जीवन तक। इसीलिए किसी पे भी मारण, मोहन, उच्चाटन, विच्छेदन, वशीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी आपके साथ कुछ किया है उसके भी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, एक मुंह, एक नाक, यही है ना, वो भी आपके ही तरह है। जैसे राजनीति में कहते हैं कि राजनीति का बदला राजनीति से लेते हैं, ठीक है, वैसे ही जो सांसारिक चीजें हैं उसका बदला सांसारिक चीजों से ही लेना चाहिए। ठीक है, किसी को अंध करके, किसी को भ्रमित करके अगर आप जीत भी जाते हैं तो उस जीत का कोई मायने नहीं होता है। तो पहला मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी ये केचना पकारिणः संति तेषां वाचा मुखं पद्मं स्तंभय स्तंभय जीवां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं ह्लीं हिली हिली अमुकस्य, यहाँ पर आप नाम बताओगे जिसका आपको जिस पर आपको क्रिया करना, स्तंभन। वाचा मुखम पद्मम स्तंभय शत्रु जिह्वाय कीलय शत्रुनाम दृष्टि मुष्टि गति मति दंत तालु जिह्वा बंधय बंधय मार्य मार्य शोकस्य शोकस्य हुम फट स्वाहा। ये मंत्र आप जब चलाएंगे किसी पर तो उसकी सरस्वती मंद हो जाएगी, उसके क्रियाकलाप, वो जो काम कर रहा है, चाहे वो किसी को बेवकूफ बना रहा हो या किसी को दुख दे रहा हो, उसका ये प्रवृत्ति खत्म हो जाएगा, वो ये नहीं कर पाएगा इसके बाद, और वो खुद शोक में मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, इस मंत्र को बहुत सोच समझ करके किसी पर आप प्रयोग करना। तो ये एक मंत्र हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा मंत्र शत्रु विनाश का हनुमान जी का है। ये मंत्र आप रामनवमी से शुरू करेंगे, एक मंत्र तक एक महीने तक 1000 जापेंगे, फिर काला उड़द लेकर के जिसके ऊपर भी पड़ के छीटेंगे उस पर असर होगा। ये मंत्र एक बार ही काम करेगा, तो 1 साल में एक बार आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र है ओम एक ही आदि है जग धारा सदा स्मरण करूं ओमकारा ओमकार से मैं काम चलाऊं ठहरे पर्वत मैं हिलाऊं ओमकार से उपजी वायु वायु का बेटा है हनुमान तेरा हूं मैं एक ही दासा सदा रहो रघुवर के पासा पान बीड़ा तुझे चढ़ाऊं देवदत्त को मैं भगाऊं तेरा भागा ना भगे रामचंद्र की दुहाई सीता सतवंती की दुहाई लक्ष्मण यति की दुहाई गौरा पार्वती की दुहाई शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक है, ये मंत्र जो है ये किसी भी शत्रु के नाश के लिए होता है, मतलब मेंटली और फाइनेंशियली उसका नाश हो जाएगा। तीसरा मंत्र मैं बताऊंगा आपको, ये जो तीसरा मंत्र है ये बड़ा खतरनाक मंत्र, ये मेरा प्रैक्टिकल मंत्र है। कैसे प्रैक्टिकल है मैं अब आपको बताता हूँ, और इससे आपको एक सीख भी मिलेगी। क्या होता है, जैसे आप लोग भी यूट्यूब पे बहुत सारी साधनाएं देखते हैं तो लोग आपको मंत्र बता देते हैं, आपको विधि बता देते हैं, और उसके बाद आप वो साधना करने लगते हैं भगवान भरोसे। देखो क्या है कि जो साबर मंत्र होते हैं ना, या जो सात्विक तांत्रिक मंत्र होते हैं, वाम मार्गी मंत्र होते हैं, उसका जल्दी मतलब नहीं निकलता, उसका भाव निकलता है। ठीक है, और आम व्यक्ति, आम साधक के बस के बाहर की बात है कि वो उसका अर्थ निकाल सके। ठीक है, तो आप जब एक मंत्र कर रहे हो तो उसको आपको पता ही नहीं होता है कि वो मंत्र क्या होता है नहीं होता है। तो अभी जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये आपको क्यों दे रहा हूँ, उससे पहले कहानी बताता हूँ। हमारे से एक व्यक्ति तंत्र सीखते थे, खुद बहुत अच्छे
बहुत विद्वान रिसर्चर हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं, कहीं भी बैठ के किसी के बारे में कुछ भी बता देते हैं कि आप इस रंग का कपड़ा पहन रखा है आपने, आप ये कर रहे हो, आपके पास ये किताबें हैं, आपके शेल्फ पे ये रखा है, मतलब इस तरीके का उनका पूरा जागरूक है, पूरा स्वरूप। तो वो मुझसे तंत्र सीख रहे थे, तो मैंने उनको एक मंत्र दिया, वो कर रहे थे। उन्होंने एक दिन मुझे बोला, गुरु महाराज क्या मंत्र देते हो, कुछ पता ही नहीं चलता मुझे कि आप क्या मंत्र दे रहे हो, ऐसा कुछ मंत्र दो कि मुझे पता चले। अब क्या है कि अगर आप किसी से सीख रहे हैं ना, तो वो आपको देख के ही मंत्र देता है कि ये कौन सा मंत्र संभाल सकता है, ठीक है। तो पता नहीं, मेरी थोड़ी शैतानी थी, मुझे लगा कि थोड़ा आज मजे लूँ, तो उनको मैंने एक चार शब्द का मंत्र दे दिया, ठीक है, और बोला आप इसको आज से जापो, आज जापो, आपको शक्ति का प्रभाव समझ में आएगा। अब भाई साहब, उन्होंने भी कॉन्फिडेंस में क्या किया कि शुरुआत का गुरु मंत्र छोड़ बोल के सबसे उसी माले को बैठ करके उन्होंने 10 माला जापा, मैसेज किया मुझे कि कुछ नहीं हुआ और जाके सो गए। रात में 3:30 बजे उनका फ़ोन आया, बोला गुरु महाराज मुझे तो किसी ने खींच के बिस्तर से नीचे पटक दिया। तो मैंने बोला आपने ही तो बोला था कि आपको अनुभूतियाँ नहीं हो रही अघोर की, तो मैंने सोचा कि थोड़ी अघोर की अनुभूति दूँ, ठीक है। तो मंत्र देने वाला ही जानता है कि मंत्र का क्या क्या उसका आउटकम होता है। जैसे कि अभी ओम नमः शिवाय वाले जो मंत्र का मैंने बीज बताया, तो बहुत सारे आप में से बहुत सारे भक्तों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया। अब क्या है कि मैंने वहां पे क्लियर बताया था कि आपको सांप की अनुभूति होगी, तो जो साधना कर रहे हैं उनको कभी सांप के फुंकार की आवाज आ रही है, किसी को ऐसा लगता है कि उनके पैर में सांप लपेटा गया है, या कोई बिस्तर पे लेटा है तो उसको लग रहा है कि उसके पीठ के नीचे से सांप जा रहा है, क्योंकि सांप ठंडा होता है ना, तो ये चीजें अब हो रही हैं। एक एक साधक है हमारे, वो जब साधना करने को बैठे, अंतिम दिन साधना थी, मैंने मुझसे बोला कि गुरुदेव मैं साधना करने जा रहा हूँ। मैंने बोला कि बस बोलना नागों के देवता को कि आप प्रत्यक्ष हो जाओ। मैंने कर लिया 7 दिन का साधना, और उन्होंने आँख खुला तो उनके आँख के बराबरी में एक नाग ऐसे खड़ा था, ऐसा उनको आभास हुआ या देखा। तो क्या है कि क्या साधना है, वो जिसने साध लिया साधना वही जानता है, ठीक है। देना बहुत आसान है, आज के डेट में तो साबर मंत्र रस किताब खरीदो या गूगल करो और आपको 5 मंत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं विधि नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या करने वाले हो और क्या मंत्र है। तो ये जो मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये किसी ने मुझे दिया था कि तुम्हें बहुत फायदा होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस व्यक्ति को मुझसे खुन्नस थी, मैं भी नया नया था तंत्र में, रोज रात बैठ के साधना करता था। तो मैंने इस मंत्र को किया। अभी देखो मैं मंत्र आपको बताता हूँ, ये मंत्र आप लिख लो, ये आप लोगों के लिए है, इसको सीधे इसको प्रयोग कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। तो ये मंत्र था, ओम ओम ह्रीम श्रीम श्री नभे नमो भनवली अमुक समृद्धयो ज्वलः मा सर्व संपदम देहि मम लक्ष्मी नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। देखो 1 मिनट रुक जाओ, अभी क्या है कि इस मंत्र में मैंने थोड़ी गलती कर दी है, वो मैं आपको फोन पे क्लियर करूंगा कि कहाँ क्या गलती की मैंने। तो जैसे इस मंत्र को मैंने पढ़ा, ओम ओम ह्रीम श्रीम श्री नभे नमो भनवली अमुक समृद्धयो ज्वला, मुझे जिस व्यक्ति ने दिया था उसने मुझे लिख के दिया था, ओम ओम ह्रीम श्रीम श्री नभे नभो भनवली मम समृद्धियो ज्वला। अब मैं बैठ के रोज पूजा में अमुक के बदले मम करता था, मम सर्व संपत्ति देही ममा लक्ष्मी नाशय नाशय, ये मैं जाप करने लगा। हुआ क्या कि अगले 1 से 1.5 महीने में मेरे सारी लक्ष्मी का नाश हो गया, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि दुष्ट धन कमा रहा है, जो लोगों को या गरीबों को तंग करके धन कमा रहा है, उनके लिए ये मंत्र एकदम पर्याप्त है। उनके नाम से 10 माला जिस विद्या से मैं बताऊंगा, सिर्फ आप 1 सप्ताह कर लो, उसके घर में जो वो कहते हैं उड़नी बिड़नी लगेगी, वो देखने लायक होगा। 3 विद्याएं मैंने आज आपको बताई हैं, तीनों नेगेटिव है, तीनों आप अपनी जिम्मेदारी पे करोगे, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, क्योंकि आपका कर्म का फल आप है, आपको खुन्नस क्यों है वो आप जाने, ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कुछ लोग वाकई परेशान रहते हैं, और वैसे परेशान लोगों के लिए ये मंत्र जरूरी था कि उनको अगर लगता है कि किसी के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी है, या कोई सही में दुष्ट इंसान उनके आसपास है, तो वो ये मंत्रों का प्रयोग करे। अगर इसका प्रयोग विधि जानना है तो आप मुझे फोन करिएगा।
भूत प्रेतों के बारे में जानना है, आप जानते हैं क्या करना है, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल रिसर्चर खरीदिए किताब। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट तो आप बात कर नहीं सकते, आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें रुद्रनाथ सर्च करें, उसके बाद आप मुझे कॉल करें, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। एक सुरक्षा पे बहुत सुंदर मैंने एक रिसर्च किया है कि आप अपना सुरक्षा कैसे करो और अपने घर की सुरक्षा कैसे करो, वो वीडियो मैं अगली बार डालूँगा। अभी के लिए आप सभी को अलग आदेश आदेश आदेश।